गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय मम्मीज चैनल। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। एंड टुडे अ वेरी ब्यूटीफुल डे है स्टार्टेड, और आज है आषाढ़ी एकादशी। तो आप सबको हैप्पी आषाढ़ी एकादशी। और पूजा हो चुका है, मम्मी ने बहुत अच्छे से पूजा किया है। चार हार बनाया मम्मा ने कल, एक पीछे आप देख सकते हो दरवाजे पे लगा है, एक मंदिर पे लगा है, और दो देवी आई के लिए बनाया। तो बहुत अच्छे से पूजा हो चुका है, मैं आपको एक बार मंदिर अच्छे से दिखा दूँ। सानू का ऑनलाइन क्लास हो गया है, और अभी उसके पास 15 मिनट का ब्रेक है, और फिर ट्यूशन टीचर आ जाएगी। तो अभी वो 15 मिनट का ब्रेक अपना एंजॉय कर रही है, मस्ती कर रही है। फिर टीचर आएगी, फिर एक डेढ़ घंटा फिर से सानू पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। और आज बहुत कुछ सिखाया है स्कूल में, बहुत सारा होमवर्क दिया है। तो आज सानू के पास बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए। व्हाट सानू, करना है ना? ट्यूशन टीचर कैसी है आपकी? बहुत अच्छे से सिखाती है ना? सच में सानू की ट्यूशन टीचर बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल स्वीट है, और बहुत अच्छे से सानू को सब सब्जेक्ट सिखाती है। तो आई एम रियली रियली हैप्पी विद द वे शी इज टीचिंग सानू। तो ये देखिए मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है। और सुबह ही निशु ने ना पूरा मंदिर आज अच्छे से कॉलिन वगैरह स्प्रे करके पूरा साफ करके लिया है। ये मार्बल का पार्ट है ना, इसको भी साइड में करके पूरा अच्छे से इसको भी क्लीन किया है, नीचे भी पूरा एकदम क्लीन किया आज मंदिर को। और आज निशु ने मम्मी को हेल्प किया पूजा करने में। तो निशु ने आज देखिए, ये जो हम लोग रोज मम्मी जो करती है वो अक्षत और गंध लगाती है, आज निशु ने गंध भी लगाया और ये लाल कलर का तिलक भी लगाया ऐसा ऊपर की तरफ। तो कितना सुंदर लग रहा है, देवी आई कितनी सुंदर दिख रही है। दिस इज धारावी देवी आई एंड दिस इज हेदौड़ी देवी आई। तो कितना अच्छा लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। और बहुत आज, और ये बीच में आपको तो पता है महालक्ष्मी है, उनको भी किया है तिलक गंध दोनों लगाया है। और बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर, कितना सुंदर दिख रहा है। और हार तो ये मम्मा ने जो घर में बनाया, इट्स सो ब्यूटीफुल। नमस्कार, माझी पूजा झालेली आहे आता देवाची। छान दिसते देव बघा, किती सुंदर प्रसन्न वाटते अगदी आता। आणि आज आषाढी एकादशी आहे, छतरी तो लेके गई थी, बट फिर भी छतरी का कोई फायदा नहीं था, भीग ही जाते हो। तो मैं ऊपर आ गई और उसके दो तीन मिनट के बाद बारिश स्टार्ट हो गया। तो एनीवेज मैं नीचे जाके दही लेकर आई, और ये वरी का पीट तो नहीं मिला, लेकिन ये वरी का जो दाना वाला आता है ना वो मिला है। तो मम्मी इसको ग्राइंड करेगी, और सेंगाड़े का जो आटा आता है ना, जो उपवास में जिसका पूरी बना सकते हो, थाली पीट बना सकते हो, या घावना वगैरह बना सकते हो, तो अभी मम्मी इन दोनों को कुछ पीस के मिक्स करके फिर उसका बनाएगी घावना टाइप। तो ये बनेगा। और बटाटा ख़त्म हो गया, तो बटाटा मिर्ची दही दूध वगैरह सब लेकर आ गई हूँ एक साथ ही जाके। अभी दोपहर के लिए मैं ये उपवास का बटाटे की भाजी बनाने वाली। तो मैंने बटाटा छील के धो के रख दिया है, मिर्ची लिया है 6-7 हरी मिर्ची, क्योंकि थोड़ा तीखा ना अच्छा लगता है वरना फीका लगता है, थोड़ा सा जीरा। बस अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें जीरा और मिर्ची का तड़का दे दूंगी, और ये बटाटा डाल दूंगी, थोड़ा सा उपवास का नमक डाल के इसको स्लो गैस पर कुक करूँगी। इसको बार बार ओपन नहीं करने का, स्लो गैस में उसको अच्छे से नीचे से ना क्रिस्पी कुक होने देने का। छाया आत्या जहाँ से मसाला लाती है ना, मैंने आत्या को बोला इस बार आप जाओगे तो मेरे लिए भी ज़रूर लाना। तो आत्या ने मुझे कॉल किया था कि इशिता मैं यहाँ पर आ गई, तुझे कौन सा मसाला चाहिए? तो मैंने आत्या को बोला मुझे एक गोड़ा मसाला ला के देना और मालवानी मसाला कोई। तो मैं इसमें से बोलते ना गोड़ा मसाले की रेसिपी और मालवानी मसाले की रेसिपी आत्या से पूछ के बना लूँगी, या तो यूट्यूब पर देख के बना लूँगी। क्योंकि हम लोग हमेशा रामदेव एवरेस्ट का ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करते हैं, और वो जो मिक्स आता है तीखा वाला वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग ने कभी कोई और मसाला ट्राई भी नहीं किया। तो मैं थोड़ा अलग डिश भी बनाना चाहती हूँ, वैरायटी भी बनाना चाहती हूँ। तो लेट्स सी मालवानी मसाले से मालवानी कोई रेसिपी बना के देखते हैं, और इससे गोड़ा मसाले से कोई उसकी रेसिपी बना के देखते हैं। आते से पूछती हूँ, ताई से पूछती हूँ, या तो यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। सो लेट्स सी इनके साथ में क्या क्रिएटिविटी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बटाटे की भाजी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे अभी मैंने ना चपाती बनाया डैडी के लिए और निशु के लिए। तो मम्मी अभी देखिए पूरा एकदम चकाचक साफ कर रही है, क्योंकि मम्मी अभी बनाने वाली है क्या मम्मा, घावना है ना उपवास का। तो यहाँ पे तांदळाचे घावणे, हाँ, तो इसका हाथ उसको लगना नहीं चाहिए बोल के मम्मा ने पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन करके ले लिया है। और ये मिक्स रेडी हो गया है, इसमें सिर्फ वो जो वरी का मैं लाई थी ना उसको ग्राइंड करके उसमें पानी ऐड किया है, जीरा है और नमक है, और बाद में थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे, पहले सानू के लिए बना लेंगे, फिर मम्मा इसमें मिर्ची ऐड करेगी। साबुदाना पीठ टाकले, साबुदाना पीठ पण टाकले किती, 2 चमचे,
जरा सा। और वो जो सेंगाड़े का पीट लाई थी वो अभी तक मम्मी ने निकाला नहीं है, वो मम्मी बोली लास्ट में ट्राई करके देखेंगे। तो ये देखिए कितना मस्त पतला क्रिस्पी क्रिस्पी बना है, मिर्ची डाल दिया है। तो यहाँ पे ये निशु के लिए है, ये तीन बन गया, और यहाँ पे मम्मा बना रही है एकदम मस्त। ऐसा मम्मा ऐसा उपवास का खाना मिले तो रोज उपवास रख सकते हैं ना, उपवास का रल लगे एटलीस्ट उपवास है बोल के ये सब वैरायटी बनता है, तो वही अपना चपाती भाजी दाल राइस बनाओ, एटलीस्ट उपवास है तो कुछ नया नया मम्मा बनाते रहती है, तो ऐसा उपवास हम लोग रोज कर सकते हैं, है ना। ऐसा मस्त खाना खाने मिलेगा तो रोज उपवास करेंगे, एकादशी दुपट्टाशी। हाँ, और मम्मी ने रात को 1 बजे मेहंदी निकाला देखो, क्योंकि आषाढ़ महीने में मेहंदी का साथ आषाढ़ महीने ना, जो भी मैरिड वुमेन है लड़कियां है वो आषाढ़ महीने में मेहंदी निकालना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग भी जरूर निकालिए। मैं ना कब से सानू को बोली थी सानू एक पेज होमवर्क कर ले ताकि शाम के लिए थोड़ा इजी हो जाए, तो वो मान नहीं रही थी। और अभी किसका फोन आया सानू, एंड लुक एट द स्माइल शी हैज़ ऑन अ फेस। तो वियाना के नाम पे देखिए अभी फटाफट होमवर्क करने रेडी हो गई, क्योंकि वो शाम को जाने वाली वियाना को मिलने के लिए, और एक महीने के खेलने के लिए, क्योंकि एक महीने के बाद मिलने वाली है वियाना, नानी के पास से आ गई है। तो फटाफट तीनों बुक लेकर आइए, देखिए तीनों बुक लेकर आइए होमवर्क करने के लिए, कितनी बदमाश है। नाउ डू फास्ट फास्ट, यू हैव टू गो ना वियानाज हाउस, डू फास्ट एंड डू नीटली। मम्मी ने कितना सुंदर रंगोली निकाला है, कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए कितना मस्त दिख रहा है, और साइड में 4 कैंडल्स भी रखे, सो इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। मैं अभी जस्ट सानू को 6 बजे ना वियाना के यहाँ पे छोड़कर आई हूँ, और सानू और वियाना दोनों इतने खुश है ना एक दूसरे को देख के, और वियाना का एक छोटा सा ऐसा घर जैसा टेंट जैसा लाया है वियाना के लिए, तो वो देख के तो वो दोनों बहुत एक्साइटेड है, उसके अंदर ही खेल रहे थे। तो अभी लेने जाऊंगी तो शायद आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, बट आज मुझे नहीं लगता सानू 3 घंटे से पहले घर आने वाली, वो 9-9:30 बजे तक ही आने वाली है। वियाना की मम्मी बोल रही थी यहीं पे रहने दो, खाना खा के ही मैं भेजती हूँ। सो लेट सी, 1 महीने के बाद वो गई है, लेट हर एन्जॉय, क्योंकि उसका होमवर्क भी दोपहर को हो चुका है। सो लेट हर एन्जॉय विद वियाना, मैं आराम से जाके उसको लेकर आऊँगी। और अभी के लिए हम लोग शाम के लिए डिनर के लिए साबूदाना वड़ा बनाने वाले, जैसे मैंने आपको दोपहर को बोला था, उसके साथ चटनी। तो मैं आपको क्विकली उसका एक रेसिपी भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग भी उसको बना के एंजॉय कर सको। दोपहर को मम्मा ने अच्छे से ये जो जाड़ा वाला बड़ा साबूदाना आता ना उसको सोख करके रख दिया था पानी में, तो ये अच्छे से देखिए भीग गया। और इसमें मम्मा ने 3 बॉयल्ड बटाटा ऐड किया, ये साइज़ का मीडियम साइज़ का 3 बटाटा ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है। अभी लोग हमेशा सिंगदाना ऐसा रोस्ट करके उसका छिलका निकाल के बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख देते एयर टाइट, तो जब भी ऐसा कुछ बनाना होना तो इजी हो जाता है। अभी सब इसमें से जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए वो मैं मिक्सर में लेकर इसको ग्राइंड करके इसको थोड़ा बारीक करके ले लूँगी, सो इट बिकम्स वेरी ईजी। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत सारे जन ऐसा करते होंगे। इसमें सिंगदाना का कूट ऐड कर दिया है, और 6 से 7 हरी मिर्ची को लेके उसको भी मिक्सर में थोड़ा ग्राइंड करके थोड़ा बारीक करके लिया है दरदरा, वो ऐड कर दिया। बस अभी इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है, और छोटे छोटे साबूदाना वड़ा जैसे हम बनाते ना वैसा उसका पेड़ा जैसे बना के लेना है। नेक्स्ट आई एम मेकिंग द उपवास का चटनी, तो उसमें मैंने ये गीला नारियल ले लिया 1/2 वाटी जितना है, हरी मिर्ची लिया है, सिंगदाना लिया है रोस्टेड सिंगदाना, और इसमें नमक और शक्कर ऐड करेंगे, और बस इसको फाइन पेस्ट बना के लेंगे। सिंस ये उपवास वाला चटनी है तो इसलिए इसमें अदरक लहसुन कोथमीर कुछ भी नहीं ऐड होगा, एंड प्लस आप जो साबूदाना है ना अगर आप उपवास के लिए नहीं बना रहे हो तो आप इसमें कोथमीर भी ऐड कर सकते हो। चटनी इज़ रेडी यम्मी, और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा साबूदाना वड़ा बना के रख दिया है, तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, सो लेट्स फ्राई देम 1 by 1। ध्यान से संभाल के, क्योंकि कभी कभी ना साबूदाना फूटता भी है, तो इसके ऊपर मैं कवर करके रख दूंगी। Thank you.
का गरम साबुदाना वड़ा इज़ रेडी। ये मैंने चटनी बीच में रख दिया है और सॉस रखा है क्योंकि निशु का तो उपवास नहीं है। और ये जो सुबह मैं सिंगाड़े का पीट लाई थी उसका मम्मा ने थोड़ा सा ऐसा थाली पीट जैसा किया है, दो मैंने निशु को दे दिया, बाकी तो मम्मा के लिए रखा है। सो दिस यम्मी क्रिस्पी साबुदाना वड़ा इज़ रेडी टू एन्जॉय। रही सानू वियाना के पास से खेल के आ गई और इतना खेली है सानू, है ना, यू एन्जॉयड? हाउ मच यू एन्जॉयड? मेरे को बोलते रोज़ भेजना मम्मी मुझे, तो अभी 10 बजे मैं उसको लेकर आई हूँ फाइनली कि चल अभी बहुत लेट हो गया, लेट्स गो होम। सानू ने खाना भी वहीं पे खा लिया है, थोड़ा सा खाया, अभी देखती ऊपर जाके वापस खाती है नहीं। तो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग ने आज का व्लॉग एन्जॉय किया होगा। इफ़ येस तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय, गुड नाइट।